डॉक्टर रामलाल जी, माफ कीजिएगा आपको डिस्टर्ब करी हूँ, लेकिन हमारा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। आपने विनय और रतन बाबू के कत्ल के बारे में तो सुना ही होगा। जी, उसी केस की तहकीकात जारी है। रामलाल जी, मरले वाले विनय और रतन बाबू दोनों ही आपके करीबी मित्र थे, तो क्या आपको किसी बात का कोई अंदेशा या किसी पर कोई शक? देखिए रामलाल जी, अब जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ, मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। चूंकि मरने वाले विनय और रतन बाबू आपके ही मित्रों में से थे, नहीं हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि ऐसा ही होगा, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। हो सकता है अगला टारगेट आपके, रतन बाबू या विनय के मित्रों में से ही कोई हो, या आप। देखिए रामलाल जी, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई भी ऐसी बात लगे जो आप हमें बताना चाहें कभी भी, तो आप हमें सबसे पहले कॉल कीजिए। बस थोड़ा सतर्क रहिए और थोड़ी सी सावधानी बरतिए। I'll take you to the doctor. Please carry on with your work. Have a good day.